नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ये एक प्यारी सी गाड़ी लॉन्च की है निसान ने और हम आ गए हैं यहाँ पे निसान के शोरूम पे। कैसी गाड़ी है और बात करते हैं इसके बारे में। चलिए चलते हैं अंदर निसान यूवी के अंदर। दोस्तों इस गाड़ी को टाइटल मिला है इंडिया चीपेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी का। ये गाड़ी डायरेक्टली कम्पीट करती है टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 300, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा और टोयोटा अर्बन क्रूजर के साथ। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे मैग्नाइट है इंडिया चीपेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी और इस पर कितने टाइम का वेटिंग पीरियड आपको एक्सपेक्ट करना है। और साथ ही साथ चैनल की सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। '21 की शुरुआत से पहले निसान ने मैग्नाइट को अच्छे खासे डिस्काउंट पर सेल किया और 2021 शुरू होते ही मैग्नाइट के प्राइसेस को भी हाइक कर दिया, बट इट स्टिल होल्ड्स द टाइटल ऑफ इंडियाज चीपेस्ट सब 4 मीटर एसयूवी। बहरहाल प्राइसेस की बात वीडियो में आगे करेंगे, अभी बात करते हैं निसान मैग्नाइट के जर्रे जर्रे की। सो लेट्स स्टार्ट विद रिव्यू ऑफ निसान मैग्नाइट। दोस्तों शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पे आपको बड़ी सी एक ग्रिल दी हुई है जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है और आपको मिल जाता है निसान का लोगो यहाँ पे। इसी ग्रिल के अंदर आपको मिलता है जो 360 कैमरा है उसका फ्रंट कैमरा, साथ ही साथ आपको मिलता है LED टर्न इंडिकेटर्स विद TRLs और LED प्रोजेक्टर लैंप्स। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्रोम वर्क मिल जाता है पूरे फ्रंट प्रोफाइल पे। यहाँ पे मैग्नाइट लगा हुआ है प्लेट पे और आपको मिलते हैं यहाँ पे फॉग लैंप्स वो भी LED। तो सारा यहाँ पे जो फ्रंट प्रोफाइल पे जितनी भी लाइटिंग आपको मिलती है सब LED है, किसी भी हेलोजन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टायर्स का साइज़ मिल जाता है 195/60 और रेडियस इनका 16 इंचेस और आपको बहुत अच्छे से व्हील्स मिल जाते हैं यहाँ पे। जो ये ब्लैक फेंडर है इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पे आपको जो टायर है वो थोड़ा छोटा लग सकता है लेकिन है नहीं। दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो आपको मिलता है मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, साथ ही साथ आपको मिलता है LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORBMs और यहाँ पे आपको बहुत ही क्रोमिंग मिलती है और उसी पर मिलता है एक प्यारा सा बटन डोर ओपन करने के लिए। विंडोज़ के नीचे आपको मिलती है बहुत ही अच्छी क्रोमिंग और रूफ माउंटेड एंटेना आपको मिलता है यहाँ पे। मटेरियल फिनिश की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीमलेस फिनिश देखने को मिलता है और टायर्स पे यहाँ पे आपको मिल जाता है साइज टायर्स का और साथ ही साथ निसान का लोगो भी मिलता है। रियर सस्पेंशन में आपको मिलता है ट्विन ट्यूब टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर और यहाँ पे साथ ही साथ बहुत ही अच्छा प्लास्टिक फिनिश वर्क मिलता है। इस पर आपको क्रोमिंग भी मिल जाती है, यहाँ पे निशान का जो है पैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे टर्बो लिखा हुआ है क्योंकि ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको मिलता है 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ। रियर में आपको यहाँ पे मिल जाती है हेलोजन टेल लाइट्स, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स जो कि डिम लाइटिंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहे कैमरे में। थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं तो मैग्नेट की बैजिंग मिल जाती है, साथ ही साथ निशान का लोगो विद रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर। दोस्तों निसान मैग्नाइट की ब्रेकिंग और ट्रैक्शन की जहां तक बात करें तो आपको यहां पे मिलता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक असिस्ट, साथ ही साथ आपको यहां पे मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल्ट होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो यहां पे जो ब्रेकिंग है वो आपको बहुत ही एडवांस टाइप की मिल जाती है बहुत ही अच्छे प्राइस में, विच इज़ वन थिंग लेस टू वरी अबाउट। अगर यहाँ पे ब्रेकिंग टाइप की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलती हैं डिस्क ब्रेक्स और रियर में आपको मिलती हैं ड्रम ब्रेक्स। यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल टैंक जिसकी फुल कैपेसिटी है 40 लीटर्स। दोस्तों अब बात करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन की। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको इंजन मिलता है 999cc डिस्प्लेसमेंट का विद 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व्स। साथ ही साथ आपको मैक्सिमम पावर मिलता है 99 bhp का और मैक्सिमम टॉर्क जो निकालती है गाड़ी वो है 160 Nm का। ARAI क्लेम्ड माइलेज जो है वो 20 km/L है जो कि बेस्ट है अब तक का सेगमेंट पे, बाकी सारे राइवल्स से बेटर जो है क्लेम करती है ये गाड़ी की आपको एवरेज देगी माइलेज देगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं मैनुअल और CVT। तो ये तो होगी एक्सटीरियर के बारे में बातें, अब चलते हैं अंदर देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। डोर पे आपको मिल जाते हैं कंट्रोल सारे पावर विंडोज़ के, साथ ही साथ आपको मिल जाता है ड्राइवर विंडोज 1 टच अप। मटेरियल की बात करें तो फैब्रिक यूज्ड है और ये पर्टिकुलर लॉक अनलॉक नॉब ज़रूर पुरानी यादें ताज़ा कर देता है।
अब अंदर बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं अंदर। बाकी सब 4 मीटर SUVs की बात करें तो MID जो है वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, और साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आपको बहुत कुछ मिलता है। तो हम अंदर बैठ गए हैं और अब बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम से आपको क्या मिलता है, सारे आपको कंट्रोल्स किस तरह के दिए हुए हैं और MID के कंट्रोल्स कहाँ पे होते हैं। MID आपको यहाँ पर पूरा डिजिटलाइज मिलता है, यहाँ पे आपको मिलते हैं इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स और दूसरी तरफ आपको मिलते हैं MID के सारे कंट्रोल्स, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो बाकी इस गाड़ी के फीचर्स है, जैसे AC वेंट हो गया, बहुत ही प्यारा सा लुक यहाँ पे मिलता है। नीचे थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं ORVMs के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, आप उनके एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मिलता है आपको इलेक्ट्रिक पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ड्राइवर साइड में जो है वन टच अप मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलते हैं हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स, आप हेडलाइट्स को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स, और साथ ही साथ जो आपको सीट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, सीट्स पे जो मटेरियल है वो सीट कवर्स आपको मिलते हैं फैब्रिक और लेदर दोनों ही मटेरियल्स के। काफ़ी स्पेशियस और सुंदर लग रही है गाड़ी अंदर से देखने में, और बाकी इसका जो फिनिश है बहुत ही एक प्यारा सा लुक आ रहा है, और फिनिश बहुत ही स्मूद है, एकदम एक सीमलेस इंटीग्रेशन यहाँ पे दिख रही है सारी चीज़ों में। इम्प्रॉपर लाइटिंग के लिए यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, लाइटिंग की हम बात करें तो यहाँ पे लाइट्स की भी कमी नहीं छोड़ी है निशान मैग्नाइट में। यहाँ पे लाइट्स आपको जो है रूफ पर मिल जाती हैं, जो केबल लैंप्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों ही फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको जो है अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है, इसका साइज़ देखते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, और यहाँ पे अंदर शायद ये फर्स्ट एड किट पड़ी हुई है, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी सिंगल कार। चलिए इसे रख देते हैं वापस और कर देते हैं ग्लव कंपार्टमेंट को बंद, और अब यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है, पुश स्टार्ट बटन के नीचे आपको वहाँ पे एक USB पोर्ट मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है स्मार्ट कनेक्टिविटी विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों ही आपको वायरस मिलते हैं। इंटीग्रेटेड इन डैश म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है, पूरा जो स्क्रीन है टच प्ले मिलता है, ये सारे कंट्रोल्स आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, सीट एडजस्टेबल मिलती है, और साथ ही साथ आपको USB कंपैटिबिलिटी मैंने अभी दिखाया आपको, ब्लूटूथ कंपैटिबल भी है ये, MP3 प्लेबैक इसमें आपको मिलता है, AM/FM रेडियो मिलता है, iPod कंपैटिबिलिटी मिलती है, और वॉइस कमांड भी साथ साथ यहाँ पे मिलता है आपको। GPS नेविगेशन सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है, पूरा स्क्रीन जो है टच प्ले है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेटिंग्स के ऑप्शन हैं सारे, ब्लूटूथ आपको यहाँ पे दी हुई है, और सारा एकदम जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे टच का वो एकदम बिल्कुल स्मूद है। अगर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो आपको 2 साल की वारंटी यहाँ पे निशान देता है, विच इज़ 2 full years और 40,000 kilometers। डिस्प्ले पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं, और साथ ही साथ ये जो ड्राइविंग इकोनॉमिकली जो ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन, गियर शिफ्ट, ओवरऑल ये जो फीचर है ये जज करता है कि आप किस एफिशिएंट सी के साथ जो है इस कार को ड्राइव करते हैं, कितने इफ़िशेंट आप एक ड्राइवर हैं। यहाँ पे स्मार्टफोन इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जितना स्मूथ ये टच है मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करने में। सो ओवरऑल डिस्प्ले आई विल गिव इट 10/10, वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ये नीचे के जो 3 बटन दिए हुए हैं इनके बारे में। ये जो लॉक अनलॉक यहाँ पे दिया हुआ है ये थोड़ा ऑड लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आप खिड़की के पास जाएंगे वहाँ पे वो नॉब से आप ओपन कर नहीं सकते, आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, लॉक या अनलॉक करना पड़ेगा, फिर आप जो खिड़की को डोर को खोल सकते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बोलते हैं। ये आपको पूरा डिजिटलाइज मिलता है लाइक डिस्प्ले, आपको यहाँ पे ट्रिप मीटर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक 2 trips मिलती हैं, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन आपको ये दिखाता है, एवरेज स्पीड दिखाता है, डिस्टेंस कितना है एम्प्टी होने में टैंक को वो भी दिखाता है, क्लॉक पूरा डिजिटलाइज है, एकोमीटर पूरी तरह से डिजिटलाइज है। अब करते हैं यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट, और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो किस तरह का दिखाई देता है डिजिटलाइज, और उसके बाद देखते हैं 360 कैमरा कैसा दिखता है। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि पूरी तरह से डिजिटलाइज है, इसमें आपको प्रेस ब्रेक स्टार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और साइड्स में आपके जो इंडिकेटर्स हैं दोनों ही जल रहे हैं, और ये है 360 व्यू कैमरा जो कि लाइट अच्छी ना होने की वजह से थोड़ा ब्लरी दिख रहा है यहाँ पे,
तो उतना अच्छा यहाँ पे जो है नहीं दिखाई देगा। एमआईडी के सारे कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग व्हील पर मिल जाते हैं राइट साइड पर। ये स्क्वायर बटन जो है उसको दबा करके मीटर कंट्रोल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखता है सारी चीज़ें। फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे दिख जाती है, फ्यूल हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। आपको जो टैकोमीटर है आरपीएम दिखाने वाला मीटर जो है वो भी आपको डिजिटलाइज मिलता है और स्पीडोमीटर भी डिजिटल मिलता है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको स्पीड और साथ ही साथ स्टेयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के, कॉल पिक एंड ड्रॉप के लिए, और म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे मिल जाती है निशान का लोगो और यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जिस पे हम अभी नज़र डालते हैं। यहाँ पे आपको ये क्लस्टर ये भी दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, किस स्पीड में चली है, क्या फ्यूल इकोनॉमी निकाल रही है, फ्यूल हिस्ट्री क्या रही है, आपका जो फ्यूल टैंक है वो कितने किलोमीटर में एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पर आपको चारों टायर्स का प्रेशर देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ डिमिंग कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें इस क्लस्टर में आपको देखने को मिलती हैं और पूरा ही जो है पूरी तरह से डिजिटलाइज है। ये तो होगी आगे की बातें, अब चलते हैं पीछे की तरफ गाड़ी में और देखते हैं सिटिंग स्पेस कैसा है, देखते हैं ओवरऑल स्पेस कैसा है गाड़ी का और कंफर्टेबल है या नहीं है, पीछे जो है तीन लोग जो है कंफर्टेबली बैठ पाते हैं या नहीं, किस तरह से फुट स्पेस है। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं और रूफ पे मिल जाता है एक केबिन लैंप और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इस तरह के तीन हैंडल ड्राइवर सीट को छोड़ करके ऑब्वियसली। और अब आपको यहाँ पे सीटिंग की बात करें तो अच्छा सीटिंग स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स तीन लोगों के बैठने के लिए, साथ ही साथ मिलते हैं चाइल्ड एंकर पॉइंट्स और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो कप होल्डर्स, साथ ही साथ आगे की तरफ ये भी मिलता है कुछ रखने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग जो बहुत ही स्मूथ लग रही है, अच्छी लग रही है यहाँ पे इसकी। अब इसको कर देते हैं बंद और यहाँ पे आपको ये लीवर दिया हुआ है सीट को अनफोल्ड करने के लिए, फोल्ड करने के लिए। तो ओवरऑल जो है एक अच्छा फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, स्टिंग स्पेस भी अच्छा लग रहा है और बाकी जो मटेरियल यूज्ड है अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और दोस्तों आप बहुत देर से वेट कर रहे होंगे प्राइसेस का, तो अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो इस गाड़ी के जो बेस वेरिएंट्स हैं XE और XL वो आपको ऑन रोड पड़ जाते हैं 7 लाख रुपए से भी कम में। जी हाँ बिल्कुल, XE जो मॉडल है उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो पड़ता है 6,10-6,15 के आसपास और XL का पड़ता है 6,64-6,70 के आसपास। और XV मॉडल जो है उसका प्राइस 7,60,000 के आसपास ऑन रोड पड़ता है फरीदाबाद टाउन में। ये सारे जो है ऑन रोड प्राइसेस हैं फरीदाबाद के। मैनुअल ट्रांसमिशन में जो आपको टॉप वेरिएंट मिलता है वो है XV प्रीमियम टर्बो ऑप्शनल ड्यूअल टोन, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ता है 9,86,000 रुपये। और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको टॉप वेरिएंट मिलता है वो है XV प्रीमियम टर्बो CVT ऑप्शनल ड्यूअल टोन, जिसका आपको प्राइसिंग पड़ती है 10,86,000 रुपये। लेकिन दोस्तों इतने कम प्राइस में आपको एक सब 4 मीटर SUV मिल सकती है, तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं एक मिनट में। पहले देख लेते हैं बूट का क्या सीन है, बूट में आपको कितना स्पेस मिल जाता है और रियर जो है कैसा दिखता है गाड़ी का। यहाँ पे डिटेलिंग में देखिए कितना अच्छा क्रोमवर्क दिया हुआ है। अब बूट को ओपन करते हैं, यहाँ पे नीचे एक बटन दिया हुआ है आपको, वहाँ से आप उसको प्रेस करके जो है बूट को खोल सकते हैं। इस बूट में आपको स्पेस मिलता है 336 लीटर का, जो कि बीट करता है विटारा ब्रेजा के बूट स्पेस को और फोर्ड इको स्पोर्ट के बूट स्पेस को भी। यहाँ पे आपको दो हेलोजन लाइट्स दी हुई हैं, ओपन करते ही ये जो है लिट हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको स्पेस जो मिलता है वो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि दो इन सेगमेंट जो इसके राइवल्स हैं उनको बीट करता है। दोस्तों बूट स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो आपको अगर मैनुअल ट्रांसमिशन लेना है विदाउट टर्बो तो वहाँ पे आपको XE मॉडल के लिए XE वेरिएंट के लिए 32 वीक्स तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जी हाँ बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड है। कार का जो प्राइस है बहुत ही कम है, 6,10-6,15 में आपको जो XE मॉडल मिल जाता है, इसलिए इस पे जो वेटिंग पीरियड है बहुत ही ज़्यादा लंबा है। XL पे आपको 20-24 वीक्स का जो वेट करना पड़ सकता है, XV पे 20-24 वीक्स का और XV प्रीमियम पे 2-4 वीक का आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर CVT वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पे आपको 2-4 वीक्स का ही वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी गाड़ी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।